अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है तो पुलिस से भी कहीं कोई खौफ नहीं है। हमारे जिला से मेरे भी लगातार बोरे में लाश मिल रहे हैं। ऐसे भी सेकुलर लीडर हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। यही बात तो पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ होते हैं तो वाह वाह, और जब उधर जाते हैं तो हायराम करने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव जी इतना जेल की यातना सहने के बाद भी वसूलों से समझौता। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन को लेकर सामने आते हैं और पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी चल रही है, हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी एमएलए इजराइल मंसूरी जी से। क्या कहेंगे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन लाते हैं और आज एक नया खबर निकलकर सामने आया जिस तरीके से सुधा यादव की पत्नी के साथ उनके चैन को छीन लिया गया। देखिए, अभी जिस तरीके से पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर, और माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन इसलिए जारी कर रहे हैं कि अब संस्करण हो गया है, हर इलाके की अपनी अपनी खबर और अखबार छपती है जिला वाइज, बिहार वासियों को अवगत नहीं हो पाते हैं कि कितना क्राइम हो रहा है। तो पूरे बिहार में सभी जगह गोलीबारी, लूट, हत्या, बलात्कार लगातार एकदम चरम सीमा पर है। अभी हम जा गए थे अभी सिगोरी पंचायत की मुखिया सुजैदा खातू, उसके शिक्षक पति शहजाद आलम मंसूरी जी को गोलियों से सरेशाम शाम 5 बजे पटना जिला अंतर्गत पाली थाना का घटना है। तो अब अपराधियों को भय नहीं है। आज ही की घटना हम देख रहे थे, सुदय यादव जी माननीय विधायक जहानाबाद है, उनकी पत्नी को किस तरीके से बता भी रही है कि पुलिस बगल में कोई गाड़ी खड़ी थी थोड़ा दूर पे, यानी पुलिस से कोई अब अपराधियों से कोई खौफ नहीं है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस से भी कहीं कोई खौफ नहीं है। लगातार हर जगह हमारे जिला से मेरे भी लगातार बोरे में लाश मिल रही है। तो घटना अपराध का बहुत काफी बढ़ गया है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ऐसे में बिहार सरकार तो बोल रही है कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव शासन काल में थे तो क्या कुछ किए, चाहे वो वर्क बोर्ड बिल का मामला हो या फिर कई तमाम मुद्दे हो। देखिए, ये लोग जो है इस बात कोई जवाब नहीं। जब आपको 15 साल हो गए एनडीए की सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, आपने क्या किया है आपको ये बोलना चाहिए। जब जनता चाहे मीडिया के कोई साथी उनसे सवाल पूछते हैं तो लोग 90 के दशक में ले जाने का काम करते हैं, तो फिर क्यों है, छोड़ देना चाहिए, अपनी बात बोल नहीं रहे हैं। और 90 के दशक, 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय गैर बराबरी काफी था, वो कुर्सी पर बैठते नहीं थे, गरीब दलित पिछड़ों कमजोर वर्ग के लोग चाहे जिस समाज के थे कुर्सी पर बैठना नहीं जानते थे, बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। एक सामाजिक संपूर्ण क्रांति हुई थी तो उसको लोग, चंद लोगों ने उसको जंगल राज की संज्ञा दी थी। आज हम डबल इंजन के सरकार के नेताओं से कहना चाहेंगे कि लगातार लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो क्यों नहीं आप जो है सो इस पर क्यों नहीं आप कर रहे, कौन राज है, जंगल राज, गुंडा राज, जो कह लीजिए महा जंगल राज है। वर्क बोर्ड बिल को लेकर हमने आपका वो पोस्ट पढ़ा जिसमें आपने कहा कि नीतीश कुमार और उनके जितने भी लोग हैं वो मुसलमानों के साथ आरएसएस की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क बोर्ड बिल को लेकर कई मुसलमान समुदाय के लोग कहीं ना कहीं संशोधन की बातों को लेकर खुश भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं इसका विरोध भी किया जा रहा है। देखिए, अभी तक जितने मसले आए हैं तो जो भी कानून लाई जा रही है एक तुष्टिकरण की नीति है, तुष्टिकरण के लिए लाई जा रही है कानून। और हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को विश्वास जीत कर नीतीश कुमार जी आते रहे हैं, और नीतीश जी ऐसे भी सेकुलर लीडर हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। मतलब आरजेडी एमएलए बोल रहे हैं नीतीश कुमार सेकुलर लीडर है, सोच रही है, लेकिन जब जब वो भाजपा के गोद में जाते हैं
संत के गोद में बैठ जाते हैं तो हमेशा से जो है मुसलमान ठगा महसूस करता है इस देश का, इस राज्य का अकलियत, और हमेशा अकलियतों के खिलाफ जो कानून लाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये साथ दे देने का काम करते हैं। यही बात तो पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ होते हैं तो वाह वाह, और जब उधर जाते हैं तो हायराम करने लगते। देखिए ये सब कुर्सी का खेल है, इसीलिए हमारे नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इतना जेल की यातना सहने के बाद भी वसूलों से समझौता नहीं किए। न तो अब देश में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े घोटालेबाज, आप देख लीजिए बिहार में जो लोग सत्ता से समझौता कर लिए हैं, सत्ता पक्ष के गोद में चले गए हैं, अभी बिहार सरकार बचाने में जिन जिन लोगों की भूमिका हुई है वो तमाम लोग जो है से कि अपराधी से शिष्टाचारी हो गए हैं, जेल से मुक्त किए गए हैं। तो इस मामले में तो राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है। हम लोग के नेता आदरणीय प्रतिपक्ष के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी वसूलों से समझौता नहीं करते हैं, सत्ता के लिए किसी से समझौता करने का काम नहीं किया है। हम लोग के हमेशा स्टैंड क्लियर रहा है। अभी दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और आसाम में प्रभारी भी है। नहीं, किसी को सुरक्षा अगर प्रदान की जाए तो उससे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, वो तो इनपुट पर होता है, अच्छी बात है सुरक्षा हो। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी दल के राजनेता हो उनको कहीं से सुरक्षा में चूक हो जाए, कहीं कुछ नुकसान हो जाए। वो भी सामाजिक लोग है और वो तो मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है और पार्टी के अध्यक्ष है, उनको सुरक्षा मिला है, इससे हमारी कोई उससे कोई। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव के बयान को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को एक वाइट प्लस सिक्योरिटी दी गई है, इस तमाम खबरों को हमने इस वीडियो में कवर किया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।